अंदर ही नहीं आने दे रहे, कह रहे कि कहाँ की नौकरी कुछ नहीं है, नौकरी से कोई कुछ नहीं है। जोशीमठ के लोग बेबस और लाचार, छोड़ रहे अपना घर बार, क्या सिर्फ मुआवजे से बनेगी बात? दरारे, दर्द, दहशत और यादें। इन दिनों जोशीमठ के लोगों की बस यही दास्तान है। खून पसीने की कमाई से बना बनाया घर अगर छोड़ने की नौबत आ जाए तो उस इंसान के दिल पर क्या बीतेगी? आज वो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं जिनका घर जोशीमठ में नहीं है, कि जो वहां हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अपना घर रहते हुए पल भर में बेघर होकर सड़क पर आ जाना क्या होता है ये हम नहीं समझ सकते, मगर बेघर हुए लोगों की तकलीफ का तकाजा जरूर लगा सकते हैं। लोगों के घरों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, जमीन में चीरा लग गया है, कहीं मंदिर गिर गया है तो कहीं जमीन में पानी आ गया है, किसी का घर झुक गया है, किसी का घर तिरछा हो गया है। वहां रहने वाले लोग अपनी दुनिया उजड़ते हुए देख रहे हैं। इन घरों में सालों से रहने वाले लोग अपना दुखड़ा सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की जिंदगी कैसे बसर होगी इसको लेकर सभी चिंतित हैं। इन लोगों की आंखों से निकलते आंसू इनका दर्द बयां कर रहे हैं, जिन्हें शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं है। कितने दिन गए हम वहाँ पे ना, वो लोग अंदर ही नहीं आने दे रहे, कह रहे कि कहाँ की नौकरी कुछ नहीं है, नौकरी से कोई कुछ नहीं है। मैं क्या रोजगार चाहिए, कितना खर्चा कर रहे हैं, क्या करना है अब बताओ, बच्चों को खाना तो खिलाए नहीं ना। लोगों के चेहरों पर दर्द है, खौफ है और भविष्य की टेंशन है। आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता, पता नहीं उन्हें नया घर कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं, वे अपनी जगह छोड़कर कहां जाएंगे, बेघर हुए लोग क्या कभी इन घरों में वापसी करेंगे, कौन देगा इन आंखों को जवाब, क्योंकि जिसका घर छिन जाए उसके पास अब आस और याद के सिवा बचा क्या है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।